हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ खेलने चले, जहाँ मिलती हैं आपको स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्चर दीपिका कुमारी एंड इंडियन आर्चर अंतनु दास की शादी के बारे में। सो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम दीपिका कुमारी और अंतनु दास की शादी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पहले हम आपको बता दें कि दीपिका कुमारी और अंतनु दास, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो इंडियन आर्चर हैं। दोनों की एंगेजमेंट ऑलरेडी 2018 में हो गई है, लेकिन अब इस साल 2020 में उनकी शादी होने वाली है। दोस्तों, दीपिका कुमारी की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो इंडियन आर्चर है, उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 9 है जो कि पहले 1 थी। उनकी अचीवमेंट की बात करें तो दोस्तों 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 2013 यानी कि एशियन आर्चरी चैम्पियनशिप में उन्होंने गोल्ड हासिल किया। 2012-13-14 वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। दोस्तों, उनको 2012 में अर्जुना अवार्ड भी मिला। 2016 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला। दोस्तों, अंतनु दास की बात करें तो वो भी एक इंडियन आर्चर हैं, उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 22 है। उनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो दोस्तों उन्होंने रिकर्व मिक्स टीम थर्ड एशियन ग्रैंड प्रिक्स ढाका बांग्लादेश 2011 में गोल्ड मेडल हासिल किया, और उसी में ही रिकर्व मैन इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल हासिल किया। दोस्तों, उन्होंने रिकर्व मैन टीम 34th नेशन गेम्स जो कि जमशेदपुर में हुआ था, उसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने रिकर्व बॉयज टीम 33 जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप जो न्यू दिल्ली में 2010 में हुआ था, उसमें भी गोल्ड मेडल हासिल किया। और दोस्तों, अभी वे भारत पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड जो कि कोलकाता में अभी एम्प्लॉयड हैं, अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी इन दोनों ने, यानी कि दोनों जो हमारे प्लेयर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया है शादी करने का। तो दोस्तों, इनकी जो शादी है वो है 30 जून 2020 को, प्लेस है मोराबाड़ी इन रांची। रांची में इनकी शादी होगी, और इन्होंने जो इन्विटेशन कार्ड जो छपवाए हुए हैं, 60 इन्विटेशन कार्ड, क्योंकि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उन्हें वे फॉलो कर रहे हैं, और गैदरिंग ज़्यादा ना हो इसका भी वो ध्यान दे रहे हैं। तो उन्होंने इनविटेशन कार्ड 60 कार्ड्स की प्रिंटिंग करवाई है, और उस कार्ड में उन्होंने एक नोट भी मेंशन किया है जिसमें कि वो अपने गेस्ट को बोल रहे हैं, जितने भी गेस्ट हैं उनको बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो COVID-19 की जो गाइडलाइन है उन्हें फॉलो करेंगे। दोस्तों, वे ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि मास्क और सैनिटाइजर दिया जाए, जो भी गेस्ट वहाँ पे अराइव करेंगे उन्हें दिया जाए, और उनकी जो बैंकेट हॉल में जो अरेंजमेंट की जाए वो इस प्रकार की जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। दोस्तों, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोसेस भी अप्लाई किया है, उस प्रोसेस के बारे में बता देते हैं। दोस्तों, उन्होंने जो रिसेप्शन है उनका स्लॉट में स्लॉटिंग कर दी है, तो उसमें कुछ गेस्ट किसी टाइम पीरियड में आएंगे और कुछ गेस्ट किसी और टाइम पीरियड में आएंगे। तो उन्होंने जो टाइम की जो स्लॉटिंग की वो इस प्रकार की है कि 5:30 से 7 के बीच में 50 गेस्ट आएंगे, और 7 से लेकर 8:30 के बीच में 50 गेस्ट आएंगे। सो ये है कि ज़्यादा गैदरिंग ना हो, उस चीज़ को गैदरिंग को अवॉइड करने के लिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अपने मैरिज में लाया गया है। और दोस्तों, ये भी हम बता दें कि जब उनसे ये पूछा गया था कि आप इस पीरियड में, यानी कि जो ऑलरेडी लॉकडाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना और काफ़ी सिचुएशन वर्स्ट है, तो उनसे जब पूछा गया कि क्यों इस पीरियड में आप मैरिज कर रहे हैं, तो उनका ये जवाब था कि अभी फ़िलहाल उनको कुछ करने के लिए है नहीं। सो वो इस जो टाइम पीरियड को प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, सो दैट टाइम मैनेजमेंट हो और वे इस टाइम को वेस्ट ना करें, और उन्होंने इसलिए सोचा कि वो अपनी मैरिज प्लान करते हैं, और इसीलिए 30 जून 2020 को अपनी वो मैरिज की डेट फिक्स की है, और सो दैट वो इस टाइम को यूटिलाइज कर सकें। सो दोस्तों, इस मैरिज में वो पूरे गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, गैदरिंग को अवॉइड कर रहे हैं। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक मैसेज है सब लोगों के लिए, क्योंकि इतने अच्छे प्लेयर और काबिल प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि अपनी मैरिज के टाइम पे सारा जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जितने भी अगर कोई और लोग हैं, कोई भी लोग, इंडियन पीपल अगर कोई मैरिज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी अपनी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो COVID-19 की गाइडलाइंस हैं उसे फॉलो कीजिए। सो जैसे कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वे फॉलो कर रहे हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में
आपको सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि इस वीडियो से यानी कि इस इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वेबसाइट में जाइए और आप पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं सो दैट ये वीडियो सब तक पहुँचे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट हमारी कोई और वीडियो आए तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों, आप हमें TikTok, Twitter, Instagram, Facebook में फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।